नमस्कार, आपका हमारे इंस्ट्रूमेंट टेक्नो एक्सपर्ट सेशन में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका टेक्निकल एक्सपर्ट विजय कुमार। आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रिड टाई इन्वर्टर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने ग्रिड टाई इन्वर्टर सिस्टम में आपको प्रॉपर अर्थिंग कैसे इंश्योर करनी है। प्रॉपर अर्थिंग को इंश्योर करने के लिए हम अर्थिंग की वैल्यू चेक करते हैं। अर्थिंग चेक करने के लिए हमारे पास अर्थिंग टेस्ट मीटर या फिर मेगर मीटर आते हैं, जिससे कि हम अर्थिंग की रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करते हैं। जितनी कम अर्थिंग की रेजिस्टेंस वैल्यू होगी उतनी ही अच्छी अर्थिंग मानी जाती है। 1 ओम को हम अच्छी अर्थिंग मानते हैं। गुड अर्थिंग हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है, हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को डैमेज होने से बचाती है, किसी भी तरह के फायर हजार्ड को कम करती है और साथ ही हमारे इन्वर्टर की परफॉर्मेंस और ओवरऑल रिलायबिलिटी को भी बढ़ाती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एसी साइड और डीसी साइड में अर्थिंग को कॉम्बाइन नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस कंडीशन में आपके ग्रिड टाई इन्वर्टर की वारंटी मान्य नहीं होगी। हमारे साथ इस सेशन में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। हम आपके लिए इसी तरह छोटे छोटे टेक्निकल वीडियोज़ लाते रहेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ईस्टमैन।